सूरतगढ़ से खबर है, जहां श्री व बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री के आगे सीटू यूनियन संगठन के मजदूरों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर 18 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। मजदूरों ने बताया कि हमारी तरफ से मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी हमारी फैक्ट्री के मैनेजमेंट द्वारा सुनवाई नहीं हो रही। मैनेजमेंट ने कहा कि हम मजदूरों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं। मजदूरों का 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी ने यहां आंदोलन कर रहे मजदूरों से बात की है। आप कितने दिनों से धरने पर बैठे हो और क्या मांग है आपकी? हम आज 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आज 18 दिन हो गया, 18वां दिन चल रहा है और हमारी 15 सूत्रें मांगे हैं, वही मांगे हैं जो मतलब दूसरे प्लांटों में ये दे रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित है। जैसे वेज बोर्ड की मांग हो गई, वेतन बढ़ोतरी की हो गई, ड्रेस की बढ़ोतरी की हो गई, जूते की, और जो डस्ट अलाउंस है, हाइट अलाउंस है, जो भी ये नहीं दे रहे उसकी हमारी मांग है। और हमारा आंदोलन ये हमारे शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और जब तक ये नहीं मानेंगे, ये सोच रहे हैं 5-10 दिन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक ये नहीं मानेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज हमारे पदाधिकारी हमारे बीच में पहुँचेंगे, प्रदेश के महामंत्री वी एस राणा जी, उसके बाद में हम निश्चित करेंगे, आगे कलेक्टर का घेराव करेंगे और गांव-गांव में सभी जगह जाके हम संपर्क करके कलेक्टर का घेराव करेंगे और इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। अब ये 20-30 रुपये के लिए बोल रहे हैं, अभी ये बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे होने वाला कुछ नहीं है। ये 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर ठेकेदार चेंज कर देते हैं, फिर उस रेट को वापस डाउन कर देते हैं। 2009 में हमारे को जो रेट मिल रहा था वो भी रेट अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। एक बार बढ़ा देते हैं, फिर उसको वापस कटौती कर देते हैं, दूसरा ठेकेदार लेते हैं, चेंज कर देते हैं, बस यही रहता है। इसलिए हमारे मजदूरों की काफ़ी मजदूरी कम है। दूसरे प्लांटों में, दूसरे सीमेंट के प्लांटों में मतलब 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मजदूरों को मिल रहे हैं, यहाँ पे 12,000-15,000 से ऊपर कोई मजदूर नहीं है। और ओवर टाइम का भी हमारे को सिंगल मिलता है, मतलब हर एक तरीके से हमारा यहाँ पे शोषण हो रहा है। और आज श्री सीमेंट के आगे जो मजदूर लगातार यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं, आज यहाँ पे पहुँचे, तो मतलब इनका समर्थन में आप मतलब जो समस्या है इनकी, जो आपके गांव के जो मजदूर हैं, कितने यहाँ पे काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मजदूर साथियों का तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे यहाँ 15-17 सालों से ये श्री सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, मजदूर काम कर रहे हैं, हज़ारों मजदूर हमारे गांव के काम कर रहे हैं। इस श्री सीमेंट प्रशासन और इस श्री सीमेंट से जो हमें लाभ मिलना था, आज तक इस वंचित है उस लाभ से। नीतियों के आधार पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। 17 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, हम मजदूरों के साथ हैं और साथ रहेंगे। जब तक इनकी जायज़ मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक एक तलक लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल शासन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चिकित्सालय, शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए कंप्यूटर है, उनसे वंचित है। जो भी इसका पैसा हमारे फंड में आ रहा है वो कहीं और जाके लगा रहा है, ये खुद अधिकारी इसमें गोलमाल करके खा रहे हैं। हमें सड़क पूरी तरह टूटी फूटी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, पानी के बारे में, लाइट, कोई सी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम श्री सीमेंट प्रशासन के खिलाफ पुरजोर विरोध करते हैं, मजदूरों के साथ हैं, पूरा ग्रामीण एरिया साथ है इनके। मजदूर बाहर धरने पर बैठे हैं, तो काफ़ी दिन हो गए बैठे हुए, तो इनकी समस्या क्या है और इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ पर कार्यरत ठेका श्रमिक जो अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त हैं, उनको श्री सीमेंट प्रतिवर्ष अप्रैल में वेतन वृद्धि करके देती आ रही है। और इस वर्ष भी हमने पूर्व की भांति 1 अप्रैल से इन बच्चों के जो बढ़ोतरी थी अप्रैल 22 में, उसमें 5 रुपये वृद्धि करके स्किल्ड कैटेगरी के हमने 40 रुपये कर दिए 8 घंटे के, सेमी स्किल्ड के हमने 25-30 कर दिए, अनस्किल्ड के हमने 20-25 रुपये कर दिए 8 घंटे ड्यूटी के। और इसके अलावा हम हमारे श्रमिकों को जो विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त हैं, जो ठेकेदारों के पेरोल पर हैं, उनको हम बोनस दे रहे हैं नियमानुसार, बोनस एक्ट के अनुसार। पीएफ हमने इनका लागू कर रखा है, ईएसआईसी इनके लागू है, इन्हें हम सेफ्टी शूज़ दे रहे हैं साल में एक, इनको हम यूनिफॉर्म के 1300 रुपये देते आ रहे हैं, जिसको हम 1 अप्रैल से 1600 रुपये कर चुके हैं। इसके अलावा हम फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार इनको जो छुट्टियां मिलती हैं, जो प्रावधान है फैक्ट्रीज एक्ट में, वो छुट्टियां दे रहे हैं।
इसके अलावा जो नेशनल हॉलीडेज हैं 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर 1 मई लेबर डे वो भी इनको दिए जा रहे हैं। सर जैसे आपके जो परमानेंट मजदूर हैं कितने लोग यहाँ पे जो लोकल काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर जितने भी स्थाई कार्यरत लोग हैं वो तकरीबन इंजीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या 80-90 के आसपास है। लोकल कितने हैं आप? अगर आप इन ठेका श्रमिकों की बात कर रहे हैं तो ठेका श्रमिक मेरे पास में 85-90% तो लोकल हैं, कोई हार्डली 5-7% बच्चे आउट ऑफ इस एरिया के हो सकते हैं। तो जैसे इनके बीमारी वगैरह पर कुछ मतलब एक्स्ट्रा कोई कंपनी? हाँ, अगर कोई श्रमिक बीमार होता है तो उसके EISIC जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है उसमें अगर भगवान नहीं करे उसके 1-10 लाख खर्च होते हैं तो पूरा कंपनसेशन EISIC सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसका कंपनसेशन संबंधित ठेकेदार सुनिश्चित करता है कि मेरे श्रमिक की बीमारी है या एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हुई है। तो जैसे अभी इनसे कोई वार्ता हुई आपकी? कोई हमारी